बदमाशों पर तो इनाम घोषित होता ही है, लेकिन यूपी में पहली बार किसी आईपीएस अधिकारी पर भी बदमाश जैसा इनाम घोषित हुआ है। क्रेशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत मामले में वांटेड आईपीएस मणिलाल पाटीदार और सिपाही अरुण के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद से ही बदमाशों पर कहर बनकर टूटने वाली पुलिस अब अपने ही कप्तान साहब को खोजने में लगी है। दरअसल इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड में सस्पेंड हुए आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार पर यूपी पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। इससे पहले न्यायालय में मणिलाल पाटीदार को भगौड़ा भी घोषित कर दिया था। आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर तत्कालीन एसपी महोबा रहते हुए केसर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। खबरों की माने तो इस मामले में एसपी साहब के साथ उनका एक सिपाही भी फरार है। बदमाशों पर तो इनाम घोषित होता ही है, लेकिन यूपी में पहली बार किसी आईपीएस अधिकारी पर भी बदमाश जैसा इनाम घोषित हुआ है। क्रेशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत मामले में वांटेड आईपीएस मणिलाल पाटीदार और सिपाही अरुण के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित हुआ है। सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच।